सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर नए दिन की शुरुआत सदा सकारात्मक विचार से करें। अपने किसी भी मंजिल से आप तब तक दूर हैं जब तक उसके लिए पहला कदम न उठाया जाए। खेल का अंतिम क्षण ही जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। हर असफल प्रयास जीत और कामयाबी का अहम हिस्सा होता है। आज का पंचांग 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:24 से 1:42 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। मीन राशि 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार, कार्य अभी आपके अधिक समय और ध्यान की मांग कर रहा है। नया प्रशिक्षण आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करेगा। उन दोस्तों के साथ खाली समय बिताकर तनाव से छुटकारा पाएं जिनकी कंपनी आपको आकर्षित करती है। करीबी लोगों के साथ होने से आपकी चिंता और अकेलापन दूर होगा। आपके ग्रहों के अनुसार आज के दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जब एक तरफ आप अपने प्रियजनों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती किंतु आपका अधिक बोलना किसी दूसरे का दिल दुखा सकता है। इसके लिए आप लोगों से मिले, उनसे बातें करें और सोच समझ कर बोलें। अगर जीवन में कुछ पाना है तो तरीके बदले इरादे नहीं। सकारात्मक लोगों तथा गतिविधियों में व्यतीत रहने से आप ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। वर्तमान परिवेश के कारण खुद को ढाल लेने से आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। परिवार के लिए बड़ी खरीदारी करना संभव हो सकता है। किसी व्यक्ति से सरप्राइज मिलने की संभावना है। घर की सजावट में किए गए बदलाव की वजह से अपेक्षा से अधिक खर्च होगा। आपके द्वारा किए गए हर एक काम से प्रसन्नता मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को नया काम मिल सकता है। पार्टनर से एक दूसरे के साथ संबंधों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सावधानियां, व्यवसायिक कार्य मन मुताबिक तरीके से नहीं बनेंगे लेकिन इस समय धैर्य रखना होगा। हालांकि आप अपनी पूरी योग्यता व मेहनत द्वारा जल्द ही अपनी प्रयासों में सफल भी होंगे। सरकारी नौकरी में कुछ नई संभावनाएं मिलेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन प्यार की बाहर से भरा है जहां आप अपने साथी के साथ अंतरंग क्षणों का अनुभव भी कर सकते हैं। अगर साथी की तलाश है तो प्रयास करते रहें क्योंकि कोई खास जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। दुश्मन से सतर्क रहें क्योंकि प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आज के दिन किस्मत ने आपके लिए कुछ अलग ही लिखा है। मतभेदों से बचने के लिए कोई भी बात करने से बचें, विचार करें, अपने सोलमेट को समझने की कोशिश करें क्योंकि रिश्ता केवल एक तरफ से ही नहीं निभाया जाता बल्कि इसके लिए दोनों की समझदारी और सूझबूझ होना जरूरी है। बात करते हैं करियर की। जीवन के इस चरण में आपके प्रयास और क्षमता आपके पॉजिटिव पॉइंट है। यह समय आपको अपने कर्तव्य का पालन करने की आजादी देगा, इसलिए इनका पूरा लाभ उठाएं। दुश्मन और विवाद आपको आज कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको कमजोर नहीं होने देगा। अब आपका पूरा ध्यान उत्पादकता के साथ अपने ग्राहकों को बढ़ाने पर भी है। आप नई योजनाएं और रणनीतियों के बारे में सोच सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उन पर काम करने की कोशिश भी करेंगे। आप अपने कौशल और दक्षता को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हैं। बस प्रशंसा की कमी कभी कभी आपको निराश कर सकती है। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक थकान और कार्यभार की वजह से मांसपेशियों व नसों में खिंचाव व दर्द महसूस हो सकता है। नियमित व्यायाम योग भी करना जरूरी है। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ती रहीं। आपका दिन शुभ हो।